हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आपसे जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वायुमंडल की संरचना। जलवायु विज्ञान की दृष्टि से यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वायुमंडल की संरचना क्या है, इससे पहले थोड़ी सी हमें आपसे ये बात करनी होगी कि वायुमंडल है क्या। तो वायुमंडल एक गैसीय मिश्रण है, गैसियस मिक्सचर। वायुमंडल एक गैसीय मिश्रण है जो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर अभिव्याप्त है। पृथ्वी की सतह से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी स्थिति है। लेकिन ये जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई है, ये जो पुरानी सूचना दी गई उसके अनुसार है। अभी जो नवीनतम सूचनाएं अपनी आ रही हैं उसमें कई विद्वानों ने बताया कि इसका विस्तार 16,000 किलोमीटर से लेकर 29,000 किलोमीटर तक हो सकता है। तो बहरहाल अभी हम इसकी की विस्तार की जो बात करेंगे संरचनात्मक रूप से 10,000 किलोमीटर तक की। इस गैसीय मिश्रण में ठोसीकृत पदार्थ भी सम्मिलित है और बड़ी मात्रा में जलवाष्प भी है। तो यह जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर अभिव्याप्त है, यह गैसीय मिश्रण है। गैसीय मिश्रण के साथ साथ इसमें पार्टिकुलेट मैटर्स, ठोसीकृत कणिकामय पदार्थ, जो यही कणिकामय पदार्थ जब ओस की बूंदों से या जल की बूंदों से मिलते हैं तो एरोसॉल का निर्माण करते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट क्या आ गया, जलवाष्प। जहां तक गैसीय मिश्रण का सवाल है, इससे इसके कंपोजिशन का निर्माण होता है, संगठन का, इसके संघटक बनते हैं। तो गैसों में अगर देखा जाए तो जो सबसे अधिक मात्रा वाली गैस है वो नाइट्रोजन है, लगभग 78%। इसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 20.9%, लगभग 21%। इसके बाद आर्गन है 0.93%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है और वर्तमान तक की अगर बात करो तो यह 0.0415% हो चुकी है, जिसकी चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी है, क्लियर। इसके बाद आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद अन्य जो गैसें हैं अति कम मात्रा में हैं, लेकिन उन कम मात्रा वाली गैसों में ओजोन एक प्रमुख गैस है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में भी हम बात करेंगे आपसे। स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत के रूप में, हालांकि इसकी ऊंचाई में विचलन है, और यह ओजोन परत हमारी जीवन की रक्षा करती है। कैसे करती है आगे बात करेंगे। तो ये गैसीय मिश्रण इस एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को मूल स्वरूप प्रदान करता है। जहां तक कणिकामय पदार्थ है, इसमें धूल, राख, रेत, नमक, काजल, कालिक जिसे हम बोलते हैं, या अन्य प्रकार के जैविक पदार्थ इसमें सम्मिलित हैं। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं यानी कणिकामय पदार्थ हैं, जिसके जलीय मिश्रण को हमने नाम किया दिया एरोसॉल, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं, क्या है, आर्द्रता ग्राही हैं। इसके बाद अत्यधिक मात्रा में जलवाष्प है। तो जलवाष्प वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील अवयव है। तो इनसे ये वायुमंडल बना, लेकिन इस वायुमंडल की संरचना में काफी वेरिएशन है, काफी क्या है, अंतर है, विभिन्नता है। तो विद्वानों ने क्या किया, इस वायुमंडल को दो आधार पर वर्गीकृत किया, यानी अध्ययन किया, इनका वर्गीकरण किया, इनके परतों का। एक भौतिक प्रवृत्ति के आधार पर, जिसमें मुख्य रूप से तापमान को आधार बताया गया, और दूसरा है रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर।
जिसमें भौतिक प्रवृत्ति के आधार पर या भौतिक गुण के आधार पर अर्थात तापमान के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो काफी महत्वपूर्ण है। तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, तापमान के आधार पर वर्गीकरण को देखते हैं, तो वायुमंडलीय संघटक को संरचना के रूप में देखा जाए तो भू सतह से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक कई परतों में विभाजित किया गया और इन परतों का नाम क्या दिया गया देखें, यहां ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को डिवाइड कर दिया गया आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। हिंदी में अगर बात करें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल। तापमान मंडल को आयन मंडल और बाह्य मंडल में या बहिर्गमन मंडल में क्या किया गया, बहिर्मंडल में विभाजित कर दिया गया। क्लियर? तो ये एक संरचना हमने बताया बनाया है आपको समझाने के लिए। अब आप देखें इस पर, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर हमारे पास जो दिखाई दे रहा है ये अर्थ है यानी पृथ्वी है, और ग्रीन कलर अर्थ के ऊपर जो ये भूपरपट्टी का ऊपरी भाग है इस पर विकसित बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के ठीक ऊपर ये ट्रोपोस्फीयर है अर्थात क्षोभ मंडल है, जिसको सम्मोहनी मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, अनेक नाम दिया गया, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसके ऊपर जो ये कलर आप देख रहे हो ये क्या है, येलो कलर, जो आपको पीला कलर स्ट्रेटोस्फीयर लगी। स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में एक जो आप ये इस डिफरेंट कलर ये देख रहे हो आप मैजेंटा कलर, ये क्या है, इसकी एक संक्रमणीय पट्टी है जिसको नाम दिया गया क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। क्लियर? उसके ऊपर ये जो पीला कलर है ये क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी विशेषता भी आगे हम डिटेल करेंगे। फिर मध्य मंडल ये है, तो मध्य मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में स्ट्रेटोपॉज है। इसके बाद ये ग्रीन कलर जो है थर्मोस्फीयर का निचला भाग है आयन मंडल, जो काफी महत्वपूर्ण है संचार की दृष्टि से। बहुत से यहाँ पर उप लेयर्स हैं, कहने का मतलब उप परतें हैं जो कि विभिन्न प्रकार के रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, जो कि हमारे संचार के लिए अति आवश्यक है। और इन दोनों मंडल के बीच में मेजोपॉज यानी मध्य सीमा है। इसके बाद ये आयन मंडल लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक अभी व्याप्त है। इसके बाद ये एक्सोस्फीयर आ गया और इसी का भाग आगे तक चला जाएगा 10,000 किलोमीटर तक, और इसी में चुंबकीय मंडल भी क्या है, सम्मिलित है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए इन मंडलों का स्तरीकरण, कि सबसे नीचे कौन है, मध्य में कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या है, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर, ये आपसे टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कि इनका इनको क्या कर श्रेणीबद्ध करें। तो ये है हमारा वायुमंडल। अब ये जो कलर दिखाया गया, ये ना सोचें कि इस कलर का ही है, ये सिर्फ वेरिएशन करने के लिए आपको दिखा दिया गया, क्योंकि हवा जो होती, जो वायु है, वो इनमें कोई कलर विशिष्ट कलर नहीं है कि उसको मैं कलर के रूप में आपको दिखाऊं, लेकिन ये इसलिए दिखाया गया कि आप इसमें अंतर स्पष्ट कर सकें। ठीक, अब इस मंडल को हम क्या करेंगे, इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे और फिर उस पर हम विशेषताओं की बात करेंगे। तो चलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं और बात करते हैं आपसे। ये अब आप देखें, ये एक सेक्शन लिया गया, ये भू सतह है और ये इसका बाहरी मंडल है। तो भू सतह पर हमने क्या किया, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो यहां हमने क्या किया, ऐसे एक सेक्शन ले लिया, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई, जैसे सपोज दैट, यहां मैं आपको बता दूं कि ये मान लिया पृथ्वी है, तो यहां से हमने क्या किया, सेक्शन लिया ए, तो ये हो गया एनपी बोले तो नॉर्थ पोल, और इधर क्या हो गया, साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है, ध्यान रखें, और ये क्या है, साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और बीच में जो ये ग्रीन कलर से ई लिखा हुआ है, इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा। तो सामान्यतः देखा गया जो पृथ्वी के समीप वाली सतहें हैं वायुमंडल की, वो ध्रुवों पर काफी नीची हैं और भूमध्य रेखा पर अपेक्षाकृत ऊंची हैं।
तो ध्रुवों पर ये वायुमंडल की ऊंचाई कम क्यों है और भूमध्य रेखा पर अपेक्षाकृत ये ऊंचे क्यों हैं? इनसे भी प्रश्न आपसे आ चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि ध्रुवों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान अधिक है, गुरुत्व अधिक है, और भूमध्य रेखा पर अपेक्षाकृत कम है। तो जब गुरुत्व का मान ध्रुवों पर अधिक है तो वहां पर जो वायुमंडलीय संरचना है वो क्या होगी, नीचे खींची हुई है। और अपेक्षाकृत अगर ध्रुवों पर देखा जाए तो जी का मान ने गुरुत्व का मान कम है तो अपेक्षाकृत ऊंची दिखाई देती। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में भी वायुमंडलीय संरचना की ऊंचाई में काफी विचलन देखा जाता है, डेविएशन देखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई अपेक्षाकृत बढ़ जाती है और शीत ऋतु में अपेक्षाकृत कम हो जाती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पार्थिव विकिरण जब अधिक होता है तो पार्थिव विकिरण के कारण कन्वेक्शनल करंट चलती है, समवायनी तरंगे चलती हैं। इन समवायनी तरंगों के प्रभाव के कारण जो लेयर है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, वायुमंडलीय परतें हैं वो अपेक्षाकृत ऊपर उड़ जाती हैं। इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास कोई पेपर है, अब नीचे अगर आपने कोई दीपक जला दिया या कोई गैस का बर्नर जला दिया तो ये ऊपर उठ जाता है। तो क्योंकि नीचे से जो गैस का बर्नर जल रहा है, जो गैस से ज्वाला आ रही है, उसमें क्या एनर्जी है, और वो एनर्जी इसको क्या करती है, प्रेस करती है, तो ये ऊपर उठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडलीय परतों की ऊंचाई ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि पार्थिव विकिरण के कारण ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किस प्रकार की तरंगों से माध्यम से होता है, तरंगों के माध्यम से होता है, दीर्घ तरंगों के माध्यम से। सौरिक विकिरण किसके माध्यम से होता है, छोटी तरंगों के माध्यम से। तो जब पार्थिव विकिरण हो गया उसमें दीर्घ तरंगे निकलने, तो वो तरंगे इस पर प्रभाव डालती है और ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। क्लियर। अब यहां पर देखो, इस डायग्राम में अगर इसका विश्लेषण करते हो तो लगभग सारे आस्पेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये आप देख रहे हो कि ये भू सतह है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इनकी ऊंचाई कम है, यहां दिया गया है इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर होती है, 6 से 8 किलोमीटर लगभग। तो 6 किलोमीटर कब होगी, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी ऊपर हो जाएगी। उसी तरह से इक्वेटर पर ये 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। तो इस मंडल को क्या नाम दे दिया गया, क्षोभ मंडल। क्या नाम दिया गया, क्षोभ मंडल, ये नाम दिया गया, या विक्षोभ मंडल, या परिवर्तन मंडल, या समवानी मंडल। इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो ये मंडल क्या हो जाएगा, टोपोस्फीयर, टर्बुलेंस जोन, कन्वेक्शन जोन, या वेरिएबल जोन। अब ये जो क्षोभ मंडल हमारा भाग है भू सतह के ठीक समीप, सतह से लेकर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक अभिव्याप्त जो वायुमंडलीय परत है, यह परत अत्यधिक सघन है। क्यों सघन है, क्योंकि यहां पर गुरुत्व का मान अधिक है। तो इतनी ज्यादा सघन है कि इसमें सामान्य वायुयान, एरोप्लेन का उड़ना मुश्किल होता है। वायुयान सामान्यतः ये जो आप एक ये पट्टी देख रहे हो ना, इस कलर की, इसके आसपास उड़ते हैं। और इसी परत में, अर्थात इसी मंडल में, अर्थात क्षोभ मंडल में ही लगभग सभी मौसमी और जलवायु परिघटनाएं संपादित होती हैं। क्षोभ मंडल में ही लगभग सभी जलवायु तथा मौसमी घटनाएं संपादित होती हैं, जैसे पार्थिव विकिरण का रुकना, रुधोष्म ताप परिवर्तन का होना, तापमान प्रतिलोमन का होना, मींस एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज एंड द टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये दोनों ही जो ये क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं, इनके कारण ही संघनन होता है, बादल बनते हैं, आइस क्रिस्टल बनते हैं, हेलस्टॉर्म बनते हैं, कने ओले बनते हैं, जल की बूंदें यानी ओस बनती हैं, कोहरा यानी फॉग बनता है, फ्रोस्ट बनता है। तो सभी प्रकार की प्रक्रियाएं यहीं संपादित होती है, वाष्पीकरण, संवहन, संघनन, बादल का बनना, ओले का बनना, हिम का बनना, पाला का बनना, कोहरे का बनना, ओस का बनना, सारी प्रक्रियाएं यहीं पर होती हैं।
और उसके लिए परिस्थितियां थोड़ी परिवर्तित होती हैं, कभी ऋतु परिवर्तन होता है, कभी स्थान परिवर्तन होता है, लेकिन सारी परिघटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इसके बाद जो तीव्र पवने चलती हैं, साइक्लोन का बनना, एंटी साइक्लोन का बनना, टाइप्स ऑफ साइक्लोन, चाहे हरिकेन हो, टॉर्नेडो हो, डिप्रेशन हो, सारे के सारे यहीं पर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो जलवायु की दृष्टि से या जलवायु के तत्वों के दृष्टि से या मौसमी परिघटनाओं के दृष्टि से यही मंडल क्या है, महत्वपूर्ण है। अब इस मंडल में जो मौलिक तत्व था वर्गीकरण का, तापमान, जब इस मंडल में यानी क्षोभ मंडल में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में लगातार कमी होती है, तापमान में गिरावट दर्ज होती है, और इस गिरावट की दर को हम कहते हैं सामान्य तापमान ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, जिसकी दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, अर्थात प्रति हजार मीटर की ऊंचाई पर तापमान में लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। इस कमी के दर को हम सामान्य तापमान ह्रास दर कहते हैं। लेकिन ये सामान्य ह्रास दर, तापमान ह्रास दर एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज में अर्थात रुधोष्म तापमान परिवर्तन में विचलन दिखाती है। अगर आर्द्र हवाएं हैं तो आर्द्र हवाओं में जो तापमान परिवर्तन दर होगी लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर दर से, अर्थात 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर हजार मीटर से, पर थाउजेंड मीटर से। अगर हवा शुष्क है तो लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से वो क्या होगी, शीतल होगी। बहरहाल नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में लगातार कमी होती है, जहां सतह का औसत तापमान आपको क्या दिखाया गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वो यहां तक आते आते घटकर -80 से -82 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न आएगा और आना चाहिए, स्वाभाविक है। जिज्ञासा जब होगी तभी आप ज्योग्राफी को समझ सकते, ज्योग्राफी ही नहीं, साइंस का कोई पार्ट हो, सोशल साइंस का कोई भी पार्ट हो, किसी को भी समझने के लिए जिज्ञासा जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला कि -80 से -82 तक हो गया, हो सकता है कि आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपके पास कोई जिज्ञासा थी कि उस समय आपने सोचा कि -80 से -82 हो जाएगा, तब तो यहाँ हिम डब जाएंगे, हिम की मोटी मोटी परतें हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो सूर्य का प्रकाश कैसे आता। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे ऊंचाई के साथ तापमान में कमी हो रही है तो गुरुत्व में भी कमी होती है। तो यहां पर जो दबाव है या हवाओं का जो संकेंद्रण है, पवनों का, वो विरल है, यहां का वायुमंडल विरल है, इसलिए यहां पर फ्रीजिंग नहीं हो सकती है। क्लियर? तो इनकी ऊंचाई आपने देख लिया, तापमान देख लिया, सारी परिघटनाएं यहां होती हैं। इसको नाम हमने क्या दिया, क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, समोहनी मंडल। वास्तव में इस मंडल में पार्थिव विकिरण जब होता है तो यहां पर रुकता है और वही सारा कुछ परिवर्तित कर देता है, और क्षेत्र विशेष में जैसी परिस्थितियां होती हैं, तापक्रम व्युत्क्रम होता है, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज होता है, वैसे मौसमी घटनाएं परिघटनाएं संपादित होती रहती हैं। ठीक, अब इसकी ऊपरी भाग पर जब हम पहुंचते हैं, जो आप ये देख रहे हो इस कलर से, डिफरेंट कलर आपको दिखाई दिया, तो ये है एक संक्रमणीय पट्टी जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत है, ये संक्रमणीय पट्टी है, क्योंकि यहां पर विशेषता है, जैसे इस बिंदु पर हम पहुंचते हैं यहां पर तापमान की गिरावट बंद हो जाती है, यानी तापमान में जो कमी हो रही थी वो बंद हो गई। तो जहां भी कमी बंद होती है, कहने का मतलब तापमान की गिरावट में जो परिस्थिति थी वो समाप्त हो जाती, उस बिंदु को हम शीत बिंदु कहते हैं, कोल्ड पॉइंट। कई बार पूछा गया कि शीत बिंदु कहाँ होता है,
तो यहां होता है, यहां पर क्या होता है कि जो सतह से ऊपर हम जा रहे थे तापमान में जो गिरावट होती थी इस बिंदु के बाद वो गिरावट बंद हो जाती। इसका मतलब दूसरा पहलू ये आया कि यहां से तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। और इस जो इसको नाम क्या दिया गया, टोपोपॉज या क्षोभ सीमा, इसके इर्द गिर्द से ही, कहने का मतलब इसके आस पास से ही ये एक तीव्र हवा का पुंज चलता है, पवन पुंज, जिसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय की गई। नाम क्या दिया गया, जेट प्रवाह। तो जेट प्रवाह कहाँ चलता है, क्षोभ सीमा के आसपास। अब इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक दूसरा मंडल विकसित होता है जो अपेक्षाकृत विरल है। उस मंडल में तापमान में वृद्धि होने लगती है, जिसको नाम दिया गया स्ट्रेटोस्फीयर। क्या नाम दिया गया, स्ट्रेटोस्फीयर, अर्थात समताप मंडल। अब इसमें तापमान में वृद्धि हो रही है, क्यों वृद्धि हो रही है भाई, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर यहां दिखाई दे रहा है। इस मंडल के लगभग मध्य में ये नीले कलर की जो दिखाई दे रही है गैसीय परत है। इस गैस का स्वाभाविक कलर भी नीला है। इस गैसीय परत को नाम क्या दिया गया, ओजोन परत, या ओजोन की गैसों का जमाव है। ठीक, यह एक तीव्र तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तो ये एक परत है, और ये ओजोन परत सौरिक विकिरण से, अर्थात सूर्यातप से जो अल्ट्रावायलेट विकिरण आ रहा है, जो अति हानिकारक होता है, उन्हें अवशोषित कर लेती हैं, या तो यहां से फिर वायुमंडल के बाहरी भाग की ओर स्थानांतरित कर देती है। इस प्रकार से ये परत हमारी जीवन रक्षक पेटी के समान है, क्योंकि इनको भूसतह पर आने से रोकती है, जिससे जीवन की रक्षा होती है। इसी कारण इसको जीवन रक्षक पेटी कहा जाता है। लेकिन इस परत की खोज विद्वानों ने 1913 में ही कर दी थी, लेकिन इस समय क्या देखा गया कि जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रियाएं चली, तरह तरह के हमने विकास के उपागमों को अपनाया, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये जो विकास का उपागम या अप्रोच हमने जारी रखा हुआ है, या औद्योगिक क्रांति के बाद हमने शुरू किया, ये छद्म है, स्यूडो डेवलपमेंट प्रोसीजर्स हैं, छद्म विकास प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तरह तरह के हानिकारक प्रभाव हमारे सामने आते गए। बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन की प्रक्रियाएं शुरू हुई, तो तरह तरह की हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल गई, हम उपभोग के पांचवें स्तर पर पहुंच गए। तो इस संदर्भ में जो देन टाइम डेवलप कंट्री थे, या जो अग्रणी डेवलपिंग कंट्री थे, उन्होंने फ्रीजिंग सिस्टम विकसित किया प्रशीतक, और उस प्रशीतकों में जो फ्रीजर थे किससे चलते थे, एक खतरनाक गैस से, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियान। उनके ज्यादा उत्सर्जन से, चूंकि क्लोरोफ्लोरो उसमें क्लोरीन है, तो उसके क्लोरीन के अणु इसके ओजोन के एक अणु से क्रिया करते थे, उसको तोड़ देते थे ऑक्सीजन में, और परमाणुविक ऑक्सीजन में, आणविक ऑक्सीजन में। इसके कारण इनमें जगह जगह छिद्र होने लगा, और जब छिद्र होने लगा तो अत्यधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट किरणें भूसतह तक पहुंचने लगी, और जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन परिस्थितियां चलती रहती हैं प्रकृति में। 1983-84 में ब्रिटेन का अंटार्कटिका अभियान हुआ मई में, उस समय इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, डॉक्टर जॉय फॉरमैन या जोसेफ फॉरमैन। उन्होंने जब अंटार्कटिका पर रिसर्च किया, तो उनको अंटार्कटिका पर बड़े बड़े ओजोन के परत में होल दिखाई दिए, और वापस आए। वापस आने के बाद द नेचर नामक मैगजीन में उन्होंने अपने रिसर्च की प्रतिक्रिया को दिया। उसके बाद पूरे विश्व में 80 के दशक में हाहाकार मचा, और UNO ने तुरंत मीटिंग बनाई, और उस मीटिंग के अंतर्गत क्या कहा गया कि एक कमीशन का गठन किया गया, द वर्ल्ड कमीशन, विश्व आयोग का गठन किया गया, विश्व आयोग का अध्यक्ष बनाया गया देन टाइम नॉर्वेजियन PM, उस समय के नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड को। उन्होंने 3 साल बाद, 84 की बात है, 87 में और कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट दी,
जिसमें पहली बार सतत विकास को परिभाषित किया गया, तब से हम लोगों की जागरूकता बढ़ी शायद, और विश्व की तरफ हम क्या है एक सस्टेनेबल विकास की बात हम करने लगे। तो इस पर हम आगे कभी बात करेंगे आपसे डिटेल। तो ओजोन छिद्र हुआ, तो ओजोन छिद्र के लिए अब सीएफसी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो राहत की खबर ये मिली है कि ये जो डिप्लेशन हुआ था, जो छिद्र हुआ था, अब इसमें हीलिंग होने लगी, धीरे धीरे भर रहा है। तो बहरहाल आपसे क्वेश्चन होगा कि ओजोन परत कहां है, स्ट्रेटोस्फीयर में, कहां पर, समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ा, क्योंकि ओजोन की परत अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखती है और तापमान को बढ़ा देती है। अब यहां पर तापमान बढ़ते बढ़ते यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सामान्य स्टूडेंट जल्दबाजी में जब आप पढ़ते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई तापमान में वृद्धि होती है क्या? लेकिन यहां पर ध्यान दो, -82 और 0 अर्थात 82 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। तो वायुमंडलीय तंत्र में, एटमॉस्फेरिक सिस्टम में ये वृद्धि क्या है, बहुत ज्यादा डायनेमिक्स को जन्म दे सकती है, गतिशीलता को जन्म दे सकती है। अब ये डायनेमिक्स कैसे आएगी, अगले टॉपिक्स में इसको बताएंगे। अब यहां पर देखो, जो उल्का पिंड है, विशेष प्रकार के पछाव या स्तरीय बादलों का निर्माण करते हैं, पछाव स्तरीय बादलों का, जो विशेष संघनन होता है। यद्यपि बादलों का निर्माण निचली परत में ज्यादा होता है, ऊपरी परत में कम होता है, तो ऐसे बादलों को नाम क्या दिया गया, ध्यान दे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, हिंदी में क्या बोलेंगे, मुक्ताब मेघ या नेक्रस क्लाउड। कई बार पूछा गया नेक्रस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या मुक्ताब मेघ कहां बनते हैं, तो समताप मंडल में। जहां तक ओजोन परत की संकेंद्रता की बात है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में इसकी संकेंद्रता ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी इस 50 किलोमीटर से ऊपर भी देखी जाती है, क्योंकि यहां पर डायनेमिक्स है। अब इस स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी भाग में एक संक्रमणीय पत्ती पुनर्विकसित हुई, जो मध्य मंडल और इसके बीच में, जिसको नाम दिया गया स्ट्रेटोपॉज या समताप सीमा, लगभग 5 किलोमीटर मोटी होती है। क्या होती है, 5 किलोमीटर मोटी होती है। अब यहां से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तीसरी पेटी का विस्तार देखा गया, जिसको नाम दिया गया मेजोस्फीयर, मेजोस्फीयर या मध्य मंडल। इस मंडल में बहुत ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया, लेकिन यह और विरल होता चला गया, क्यों, कि गुरुत्व की मान में कमी हो रही है। क्लियर। अब यहां पर देखो, तापमान में फिर गिरावट आ गई, यहां तक जाते जाते -100 डिग्री सेंटीग्रेड से -33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती, यानी -100 डिग्री सेंटीग्रेड से -133 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। और यहां पर भी कुछ विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, जिनको नाम दिया गया नॉक्टिल्यूसेंट बादल। तो दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना, मुक्ताब या नेक्रस क्लाउड कहां पर है, समताप में, और नॉक्टिल्यूसेंट कहां पाया गया, मध्य मंडल में। इसके बाद एक तीसरी संक्रमणीय पट्टी रिकॉग्नाइज की गई, उसको मान्यता दी गई, जो कि थर्मोस्फीयर और मध्य मंडल के मध्य में है, लगभग 10 किलोमीटर मोटी होती, जिसको नाम दिया गया मध्य सीमा या मेजोपॉज। क्लियर। अब इसके बाद लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो भाग आ गया, सम्मिलित रूप से क्या हुआ, तापमान मंडल, जो कि पीछे आपने देखा, प्लस चुंबकीय मंडल, इसके ऊपर वाला भाग चुंबकीय मंडल हो जाता है। अब तापमान मंडल को दो भागों में बांट दिया गया, तापमान मंडल को दो भागों में यहां डिवाइड कर दिया गया, 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग को नाम दिया गया आयनोस्फीयर या आयन मंडल, और उसके ऊपर क्या आ गया, एक्जोस्फीयर यानी बहिर्मंडल या बाह्य मंडल या आयतन मंडल। ये मंडल काफी इंपॉर्टेंट है। इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये कई परतों में बटा हुआ है, डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। क्लियर। इन परतों में, और ये परतें अलग अलग प्रकार की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, अलग अलग तरह के रेडियो तरंगों को क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं।
तो इन परतों को क्या नाम दिया गया, डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। और इन रेडियो तरंगों का जो परावर्तन भू सतह की ओर होता है, इसी माध्यम से हमारे संचार माध्यम कार्य करते हैं। ऊपर उपग्रह है हमारा, संचार उपग्रह, फिर वहाँ के ट्रांसपोर्टर से कुछ व्यवसाय, फिर रेडियो तरंगों के माध्यम से भू सतह की ओर ट्रांसफर होती है, जिससे सारे संचार माध्यम हमारे काम करते हैं। आपके हाथ में सेलफोन हो या अन्य जो सेटेलाइट सिस्टम से चलने वाले इक्विपमेंट हैं, इन उनमें सबसे बड़ा योगदान किसका इसका है। तो कई बार पूछा गया कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता, आयनोस्फीयर से। इस मंडल में तापमान बढ़ने लगता है, बताया गया कि ऊपरी सीमा तक जाते जाते लगभग 1000 से ऊपर तापमान लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस मंडल के ऊपरी सीमा के आसपास, ऊपरी सीमा के आसपास ध्रुव ज्योतियां भी दिखाई देने लगती हैं, यद्यपि ध्रुव ज्योतियों का स्पष्ट जो लोकेशन बताया गया एक्सोस्फीयर में, इनके आसपास ध्रुव ज्योतियां, जो वायुमंडल है हमारा, इस वायुमंडल के विषय में कुछ विशेष जानकारी अभी वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन इतना बताया गया कि ये विरल है, इसमें चुंबकीय आंधियां भी चलने लगती हैं, तो चुंबकीय मंडल का भी नाम दिया गया। इसमें एक वान एलन रेडिशियन बेल्ट पाया जाता है, वान एलन रेडिशियन बेल्ट पाया जाता है, और इस मंडल में ध्रुव ज्योतियां दिखाई देती हैं, कौन, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, उत्तरी ध्रुव ज्योति, दक्षिणी ध्रुव ज्योति। अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुवों पर दिखाई देती है, रिकग्नाइज होती है, और ये कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव पर। तो ये विशेषताएं हैं हमारे वायुमंडलीय परत की, प्रमुख विशेषताएं हैं। और हम आशा करते हैं कि इतने विश्लेषण के बाद जिस भी कमीशन से संबंधित आप एग्जाम दे रहे हो, अगर इनसे क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो इनसे बाहर का नहीं हो सकता है, और थोड़ा और स्पष्ट हम विश्लेषण इसका दे सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से आप ये देख लो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, ताप मंडल को दो भागों में बांटा, आयन मंडल और वायुमंडल में। इनकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं ये हैं, जो इस पर नोट भी कर दी गई, आप इसको देखकर अपने नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर। ये जो हमने बताया वान एलन रेडिशियन बेल्ट, ये पूछा गया कहाँ विकसित होता है, तो एक जो स्फीयर में। अभी दो जो संरचना आपने देखा उसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ठीक। वहां तो पूर्णतः आपको समझ में आ गया डायग्राम से, अब यहाँ थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उस बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह से आप कर लें, तो एक बार और हम बात कर लेते हैं। जैसे देखो, वर्गीकरण किया गया, तो वायुमंडलीय परतीय संरचना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, पहला है तापीय विशेषता के आधार पर और दूसरा रासायनिक विशेषता के आधार पर। क्लियर। तो तापीय विशेषता अर्थात भौतिक विशेषता है तापीय विशेषता, इसके आधार पर हमने क्या किया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमान मंडल का विभाजन कर दिया, यानी इतने भागों में हमने वर्गीकृत किया गया। ट्रोपोस्फीयर नंबर वन, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड इज मेजोस्फीयर एंड फोर्थ थर्मोस्फीयर। उसी प्रकार से रासायनिक विशेषता के आधार पर विद्वानों ने क्या किया, इसको पहले दो ब्रॉड कैटेगरी में लिया, सममंडल अर्थात होमोस्फीयर, विषम मंडल अर्थात हेट्रोस्फीयर। सममंडल के अंतर्गत इसके तीन पहले वाले जो मंडल है वो आए, जो सामान्य है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेजोस्फीयर अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोस्फीयर, एंड हेट्रोस्फीयर के अंदर कौन कौन कैटेगरी आ गई, तो इसको चार भागों में बांट दिया, नाइट्रोजन आणविक परत, ऑक्सीजन परमाणविक परत, हीलियम परत और फिर हाइड्रोजन आणविक परत। ये विभाजन किया गया, उसमें मूल रूप से हमने क्या देखा था, भौतिक संरचना वाला। अब इसमें से एक एक पॉइंट को, जैसे उस वहां बताया गया उसी पॉइंट को हमने क्या किया, अलग से यहाँ इंडिकेट कर दिया, जिसे आप याद कर सकते हो खूब आराम से। जैसे देख लिया क्षोभ मंडल, वहां ऊंचाई हमने बताई थी आपको कि ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर। जो वर्ड लिया गया ट्रोपोस्फीयर, ग्रीक वर्ड किससे, ट्रोपो से, जिसका तात्पर्य क्या है, मिक्सचर या टर्बुलेंस, मिश्रण या विक्षोभ। अब इसमें जैसे वहां भी बताया कि सारी मौसमी परिघटनाएं इसमें होंगी, इसके बाद तापीय प्रतिलोमन, उष्ण तापमान परिवर्तन मीन्स टेम्परेचर इन्वर्जन एंड एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज
बात आपसे हो गई। निचली परत इसकी घर्षण युक्त है, फ्रिक्शन है, ज्यादा फ्रिक्शन है, क्योंकि वहां गुरुत्व का मान ज्यादा होता है, उसकी सघनता ज्यादा होती है। इसके बाद ऊपरी परत में घर्षण कम है, क्योंकि वहां गुरुत्व का मान कम है। सामान्य पतन दर, तापमान पतन दर, वहां बात आपसे हो गई 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। सर इसके ऊपरी भाग का तापमान 80 से माइनस 80 से माइनस 82 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपरी संक्रमणी परत को क्या नाम दिया गया? क्षोभ सीमा, जिसकी खोज किसने किया? नेपियर शाह प्रथम ने, नेपियर शाह ने किया। क्षोभ सीमा के पास तापमान में गिरावट समाप्त हो जाती है, जिस पर वहां भी चर्चा किया, उस बिंदु को जहां तापमान गिरावट की दर समाप्त हो जाती, उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड पॉइंट या शीत बिंदु। क्षोभ सीमा के ऊपरी भाग, क्षोभ सीमा के समीप जेट स्ट्रीम का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो मोटा मोटी वही बातें जो वहां हमने बताई, वही यहां पर क्या किया गया? पॉइंट आउट कर दिया गया, तो आपके लिए और सुविधा हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद दूसरी परत क्या आ गई? समताप। इसकी ऊंचाई क्या होगी? 50 से 55 किलोमीटर। इस परत की खोज किसने किया? टिजरेंस डी बोर्ट ने। किसने किया? टिजरेंस डी बोर्ट ने। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ऊपरी भाग का तापमान वहां भी बताया और यहां भी, यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ओजोन लेयर की उपस्थिति इसकी प्रमुखता का क्या है? एक प्रमुख विशेषता है, जिसके कारण यहाँ तापमान बढ़ता है। और ओजोन परत क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखती है, जिससे पृथ्वी की सतह को या संपूर्ण जैवमंडल को नुकसान से बचा लेती है, इसलिए उसको नाम किया दिया गया जीवन रक्षक पेटी। इसके बाद यहाँ विशिष्ट मुक्ताभ में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड एंड नेकरस क्लाउड का विकास होता है। इसकी ऊपरी सीमा भाग में क्या है? मोटी समताप सीमा विकसित है। कितनी किलोमीटर? 5 किलोमीटर मोटी, पीछे भी चर्चा हुई। इसके बाद तीसरी परत आ गई मध्यमंडल, स्थिति 50 से 80 किलोमीटर के मध्य। ऊपरी भाग में तापमान गिरकर -100 से -133 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, वहां भी चर्चा हुई, वही पॉइंट यहां आ गया आपके पास। यहां विशिष्ट नॉक्टिल्यूसेंट प्रकार के बादल होते हैं, वहां भी चर्चा हुई, यहां भी बात हो गई। तो आपको याद हो जाना चाहिए, ये पॉइंट देने का मतलब कि जितने भी पॉइंट है तुरंत यहां आपको याद हो जाए। इसके बाद ऊपरी भाग में तीसरी संक्रमणी पट्टी मध्य सीमा है, जिसकी मोटाई कितनी है? लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। जिसकी मोटाई कितनी होगी? लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगी, 10 किलोमीटर मोटी है ये। कितनी है? 10 किलोमीटर मोटी है। तो मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप क्या करें? कंटस्ट करते चलें, याद करते चलें। इसके बाद सबसे जो प्रमुख है, जहां आपको कंफ्यूजन होता है, वो ये परत है। नाम क्या? ऊंचाई कितनी आयन मंडल की? थर्मोस्फीयर का पहला भाग आयनोस्फीयर, ऊंचाई वहां भी बताया था आपको 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसे अनेक उप परतों में विभाजित किया गया, डी परत, ई परत, एफ परत एंड जी परत। क्लियर। इसके बाद डी परत की ऊंचाई 80 से 99, यह दीर्घ तरंग रेडियो तरंगों या निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित करती है और सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाती है। अगर दीर्घ रेडियो तरंग है तो आवृत्ति निम्न होगी, शॉर्ट है, छोटी है तो आवृत्ति तीव्र होगी, ध्यान रखना, वहां भी बताया था आपको। फिर इसके बाद ई परत जो है 99 से लेकर कितना 130 किलोमीटर तक, इसको नाम दिया गया, टर्म याद रखेंगे, केनली हैवी साइड परत। कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछे गए कि केनली हैवी साइड परत कहाँ है, तो आयन मंडल में, आयन मंडल में ई परत को ही केनली हैवी साइड परत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 99 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर के मध्य है। और यह परत मध्यम तथा उच्च आवृत्ति वाली, यानी जो मध्यम लंबाई के और कम लंबाई वाली जो तरंग हैं, रेडियो तरंगे, उनको पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है और रात्रि में यह भी विलुप्त तो हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ छिटपुट
ये परत बनती है विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में इसे नाम किया दिया गया विशिष्ट या छिटपुट ये परत। ये परत कैसे बनती है? यह परत उल्कापिंड के प्रवेश तथा तेज गति के पवनों के कारण विकसित होती है। कभी कभी ये छिटपुट हैं, जब उल्कापिंड के कण उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश कर जाते हैं उनके पार्टिकल्स और तेज पवन चलती है तो ये विकसित होती है भौतिक बेसिकली मैकेनिकल क्रिया के कारण। किसके कारण? यांत्रिकी प्रवृत्ति के कारण विकसित होती है। तो यह उच्च आवृत्ति वाली अर्थात अति लघु तरंगों को प्रावर्तित करने में समर्थ होती है। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे। फिर E2 परत, इसकी जो ऊंचाई है 130 से 150 किलोमीटर तक, 130 टू 150 किलोमीटर, इनके प्रावर्तन गुण को स्पष्ट नहीं किया गया, अर्थात इसका प्रावर्तन का गुण अस्पष्ट है। F परत विशेष परत आई, F परत यह भी 150 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये दो भागों में बटी है F1 परत और F2 परत। तो F1 परत और F2 परत दोनों को मिलाकर अपलेटन लेयर कहा जाता है या अपलेटन परत कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अपलेटन परत। F1 परत और F2 दोनों ही परतें देखो मध्यम और लघु तरंगों को, मध्यम एवं लघु तरंगों को क्या करती हैं? प्रावर्तित करती है। मध्यम एवं लघु तरंगों को क्या कर रही हैं? प्रावर्तित कर रही हैं। और रात्रि में यह भी विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद जी परत है, तो जी परत के गुण का विशेष अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन ये माना गया है कि यह एकमात्र परत है जो संभवतः दिन और रात दोनों समय में बनी रहती है। तो इस लेयर की विशेषताओं को देखते हुए यहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है? ज्यादा होती है कि कौन सी जो उप परत है डी ई एफ जी किस प्रकार की रेडियो तरंगों को प्रावर्तित करती हैं, कौन सी रेडियो तरंग 24 घंटे रहती है, कौन सी रेडियो तरंगे विलुप्त हो जाती हैं। तीन को आप ध्यान में रखेंगे। 640 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक की जो ऊंचाई है वहां पर जो विस्तार मंडल है 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहिर्मंडल या आयतन मंडल, इसमें ही चुंबकीय मंडल क्या है? सम्मिलित है। तो इस मंडल की विशेषता क्या है देख ले, इसमें चुंबकीय मंडल शामिल है। इसमें वहां भी बताया था डायग्राम में अयलन वान रेडिशियन बेल्ट पाया जाता है। इस मंडल का अध्ययन ये महान विद्वान लेमन स्पिट्जर ने किया था। इस मंडल में ध्रुव ज्योतियां दिखाई देती हैं। उत्तरी ध्रुव ज्योति को नाम दिया अरोरा बोरियालिस, जो उत्तरी ध्रुवों के आसपास दिखाई देगी, और दक्षिणी ध्रुवों के आसपास दिखाई देने वाली का नाम क्या दिया? अरोरा ऑस्टेलिस। हालांकि आयन मंडल के ऊपरी भाग में भी ये दिखाई देती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहां? बाह्य मंडल में। क्लियर। अब इसके बाद हम दूसरा हमने दे दिया रासायनिक वर्गीकरण, जो सिंपल वर्गीकरण है, एकदम सिंपल वर्गीकरण है। सममंडल में प्राथमिक तीनों परतें आएंगी। प्राथमिक तीनों परतें कौन कौन सी हैं? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, टोपोस्पियर, स्ट्रेटोस्पियर एंड मेजोस्पियर। और विषम मंडल हेटरोस्फीयर को चार भागों में बांट दिया, जहां की सामान्य वर्गीकरण में भी देखा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर, आणविक नाइट्रोजन परत विस्तार 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक। फिर परमाणुविक ऑक्सीजन परत मींस एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 200 to 1100। देन इसके बाद हीलियम परत, हीलियम लेयर 3500 यानी कहने का मतलब 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक। फिर एटॉमिक हाइड्रोजन परत, परमाणुविक हाइड्रोजन परत 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इनकी विशेषताएं वही होगी जो वहां पर आपको बताई। तो ये परत है, इनकी आप क्या करेंगे? इनको सिंपली इस तरह से याद कर लेंगे। कुछ नोट दिया गया है आपके लिए, देखें वायान क्षोभ सीमा के आसपास उड़ान भरते हैं, स्पेस शटल उपग्रह तथा अंतरिक्ष स्टेशन तापमान मंडल में स्थित होते हैं या गति करते हैं। फिर कर्मन या कार्बन
एक लाइन होती है जो मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। तो ये टॉपिक आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जो डायग्रामेटिक विश्लेषण दिया गया है वो, और जो पॉइंट वाइज दिया गया है, उनको समाहित करके आप तैयार कर सकते हैं। और किसी भी कमीशन का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे अगर इस सेक्शन से, तो इससे बाहर के नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आराम से करें। आगे जो और प्रमुख टॉपिक हो उस पर आपके साथ मैं आऊंगा, एक अच्छी विवेचना के साथ, व्यवहारिक विवेचना के साथ। क्लियर? ओके, थैंक यू।